हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और उतना ही मस्त होगा आपके यहाँ का मौसम। जी हाँ, सर्दियों की धूप किसको पसंद नहीं है, हम सबको ये बहुत अच्छी लगती है, साथ में ये प्लांट्स को भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में मैक्सिमम फ्लावर्स पा सकते हैं। अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इस बार आपका विंटर गार्डन बहुत ज्यादा सुंदर बनेगा। लेकिन उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं अपने प्रोफेशन से हटके अपने पैशन के लिए कुछ कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप किन फ्लावरिंग प्लांट्स को आप इस विंटर सीजन में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ऐसे 15 फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने आपको बताए थे, तो आज मैं आपको उनकी केयरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि जिससे आप अपने फ्लावर जो प्लांट्स हैं उनमें मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स आ सकते हैं उसमें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, आज धूप बहुत तेज है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है धूप। हाँ जी, अगर आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं उनको मैक्सिमम आप धूप में रखिए। सर्दियों की जो धूप होती है वो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब जो मेरे ये प्लांट्स हैं आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह रखे हुए हैं कि इन्हें सुबह की मैक्सिमम 4 to 5 hours की सन मिलता है, जिससे ये अपने मैक्सिमम ब्लूम पर है। आप ये देख सकते हैं इसमें एलाइसम में कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर ये प्लांट होता है। तो जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको आप मैक्सिमम धूप में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि धूप से इनका जो फ्लावरिंग का सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप करता है और ये बहुत ज्यादा फ्लावर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप में रखना है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को छोटे पॉट में लगाइए, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा रूट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ टाइम के बाद ये ऑब्वियसली खराब हो जाएंगे, तो इनको इस तरह के छोटे पॉट्स में लगाइए जिससे ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी अपने फ्लावर्स को बनाने में लगाएं, ना कि अपने रूट सिस्टम को बनाने में लगाएं। तो आप जितने मतलब बहुत छोटे पॉट में भी नहीं, मीडियम साइज का, जैसे ये मेरा 6 inch का पॉट है जिसमें मैंने इसे लगा रखा है, तो इस तरह के पॉट्स में आप अगर अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लरिश करेंगे। थर्ड पॉइंट की जो मैं बात करूंगी वो मैं बात करूंगी इनके फर्टिलाइजेशन की। तो जैसे यूजली हम अपने पॉटिंग मिक्स को बनाते हैं 3:1 के में, तो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट का पॉटिंग मिक्स होता है उसमें हमें जो वर्मी कंपोस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ाना होता है, क्योंकि जितना हम इसको खाद देंगे, जितना हम इसको खाना देंगे, उतना ही ज्यादा ये फ्लावर करेगा। तो इसलिए स्पेशली ध्यान देंगे कि जब भी आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं तो जब भी इनकी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट का पार्ट ज्यादा रखिए, और यूजली 20 से 25 दिन नहीं तो महीने में एक बार थोड़ी सी खाद इसमें दोबारा डाल दीजिए, ताकि ये और अच्छे से फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि फ्लावर्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को ये वर्मी कंपोस्ट से यूज करते हैं, जब खाना मिलेगा तभी एनर्जी आएगी। तो इसलिए जो थर्ड पॉइंट है वो है, इसमें हमें वर्मी कंपोस्ट अपने पॉटिंग मिक्स से थोड़ा सा ज्यादा डालना है। जो फोर्थ पॉइंट है उसकी मैं बात करूंगी वो है पानी का। आप ये ध्यान रखें कि आपका जो फ्लावरिंग जो पॉट है वो कभी सूखा ना रहे, उसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे। अगर वो सूख जाएगा तो ऑब्वियसली वो इतने अच्छे से फ्लावर नहीं करेगा। एक बार भी अगर आपका प्लांट सूख गया वो दोबारा रिगेन नहीं कर पाता, वो दोबारा फ्लरिश नहीं कर पाता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि डेली का पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल के मौसम में, लेकिन जब भी पानी मतलब आप पानी इस तरह दें कि आपका पॉट बिल्कुल सूखे ना, उसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, तभी वो अच्छे से फ्लावर कर पाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिससे आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में मैक्सिमम फ्लावर्स पा सकते हैं और आपका विंटर गार्डन बहुत ज्यादा सुंदर हो सकता है। इस बार थोड़ा बंदरों की वजह से मैं विंटर गार्डन बहुत अच्छा जो मैं प्लान कर रही थी मैं उतना नहीं कर पाई हूँ, लेकिन चलिए पार्ट ऑफ लाइफ है। कोशिश करूंगी मैं इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूं, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं इस चैनल को चला रही हूं, अदरवाइज मेरा कोई और मोटिव नहीं है। तो प्लीज अपना जो सपोर्ट है वो मुझे एक लाइक या अपने सब्सक्रिप्शन के जरिए जरूर दिखाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताएं, और कुछ और आप देखना चाहते हैं डीआईवाई डेकोर या गार्डनिंग रिलेटेड वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।